दोस्तों सभी हम बात करेंगे यूनिफाई प्रोटोकॉल के यूएनएफआई कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। पिछले 8-10 दिनों से लगातार इसकी प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और 11.4 USD वाला नया लेवल इस कॉइन ने अभी ट्राई किया है। और प्रीवियस हमने 4 डे को जो आपको लेवल शेयर किए थे, अपडेटेड लेवल्स टारगेट बताए थे, वो सारे टारगेट इस कॉइन ने ऑलरेडी हिट किए हैं और उससे ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। और जो सिनारियोज हमने बताए थे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें इस कॉइन ने अभी कंप्लीट की, यानी कि उसी सिनारियोज के बेस पर ये कॉइन मूव कर रहा है। आपने अगर इस कॉइन को होल्ड किया हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी ये कॉइन 11 USD से ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाइट के टाइम में इस कॉइन में 10.8 USD से ऊपर वाला लेवल ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करें तो यहाँ पर इस कॉइन ने रिसेंटली 3-4 दिन पहले 10.2 USD वाला लेवल ट्राई किया था, वहाँ से हमें थोड़ा करेक्शन देखा, 8 USD तक प्राइस चली गई और 8 USD वाले लेवल से अभी अगर देखें तो वापस इसके प्राइस में 40% से ज़्यादा का ब्रेकआउट पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। और अभी रिसेंट वाले लो एरिया से, यानी कि जो जून मंथ में हमने 2.5-2.8 USD वाला लो बनाया था, वहाँ से अभी तक इसकी प्राइस में ऑलमोस्ट 300% से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। साथ के साथ में अच्छे लेवल को मेंटेन भी किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिंगल डे में ब्रेकआउट हुआ, प्राइस में डंप देखने को मिल गया, रेगुलर बेसिस पर मूवमेंट हो रहा है। डेली के अंदर हम 20%, 30%, 40%, 20%, 10% डेली मूव कर रहे हैं, डेली इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो मैंने आपको 3rd September को वीडियो शेयर किया था, उसमें जो सिनारियोज बताए थे, उसी बेसिस पर ये कॉइन मूव कर रहा है। उसमें हमने टारगेट बताए थे 9.3 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे हमने आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 9.5 और 10 USD वाला इमीडिएट टारगेट बताए थे कि अगर आप अभी सेल करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर आपको सेल करना है। तो दोनों लेवल्स उसी टाइम हिट हुए थे, इस कॉइन ने यहाँ पर 10 USD से ऊपर वाले लेवल हिट किए थे। दूसरा, मैंने शॉर्ट टर्म में बताया था कि 10.5 USD वाले लेवल पर आपको सेल करना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यहाँ से अगर वीकली क्लोजिंग 9 USD से ऊपर हो जाती है तो ये कॉइन 13-14 USD तक भी ट्राई कर सकता, क्योंकि 9 USD इस कॉइन के लिए वीकली में रेजिस्टेंस एरिया था और उस लेवल के अराउंड उसने एक आध बार ट्राई किया था। उस लेवल से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग होती, जो कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग की अगर बात करें, तो उस दिन हमने संडे के दिन इस वीडियो शेयर किया था और यही चीज़ हमने आपको बताई थी, अगर 9 USD से ऊपर वीकली क्लोजिंग अगर ये कर पाता है तो आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में, या फिर हम कह सकते हैं सितंबर के 20 सितंबर तक ये कॉइन 12 से लेके 14 USD तक ट्राई कर लेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है इस कॉइन के लिए वीकली में वो है ऑलमोस्ट 12 USD वाला लेवल। तो 12 USD यहाँ पर वीकली में रेजिस्टेंस एरिया है और 12 से ऊपर तक ट्राई करेगा, रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी ट्राई करके और 14 तक प्राइस जा सकती है, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने इस कॉइन में 14 USD तक का लेवल देखा था। यहाँ पर इस कॉइन ने उस टाइम पर, और यानी कि जनवरी मंथ में 14 USD तक ट्राई किया था वीकली के अंदर, वहाँ से फिर रिजेक्शन देखने को मिला था। तो सेम टू सेम ये वापस ट्राई कर सकता है और हो सकता है कि 14 को भी ब्रेक कर दे। देखिए, क्योंकि जब भी कॉइन प्रीवियस लेवल को ट्राई करता है तो या तो उससे पहले ही रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसको भी ब्रेक करके और नए लेवल्स को ट्राई कर सकता है। तो नए लेवल्स में 16-17 तक प्राइस जा सकती है, हम वो बात कर रहे हैं आने वाले 3-4 वीक की। लेकिन लगातार वीकली में, लगातार डेली के अंदर हमें मूवमेंट जिस टाइप से देखने को मिल रहा, क्योंकि अभी अगर पिछले 4-5 वीक की बात करें,
वो है ऑलमोस्ट जुलाई के मिड से लेकर अभी तक, यानी कि 4-5 वीक हो गए हैं। लगातार हमें वीकली में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वीकली क्लोजिंग हमें ग्रीन कैंडल्स क्लोज होती हुई दिख रही है, साथ के साथ वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। तो एक लेवल के बाद फिर वहाँ से करेक्शन देखने को मिलता ही है। वीकली में आपको फिर 1-2 वीक 3 वीक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तो अगर प्राइस 14 तक जाती है, 14 से आपको 2-3 वीक में अगर करेक्शन देखने को मिलेगा, तो 6-7 USD तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में करेक्शन हो सकता है। और अगर बीच में BTC मूव कर जाता है, मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट हो जाता है, तो फिर 10 USD से वापस हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो अभी की अगर बात करें तो हमारे टारगेट्स तो हिट हुए हैं, आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो वेट कर सकते हैं, जो और 10-15 डेज वेट कर सकते हैं, वो और भी अच्छा प्रॉफिट लेगा। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो और भी अच्छा प्रॉफिट आप 13-14 तक ले सकते हैं, इतना अगर आप वेट कर सकते हैं तो। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से जून मंथ में 2.8 या 3 USD या 3.5 पर भी बाई किया है, तो प्राइस जब भी 12 USD से लेके 13 पर जाती है, आपको अपने 25% पार्ट को सेल करना है, क्योंकि प्राइस वापस नीचे आएगी तो फिर आप वापस बाई कर लेंगे 6-7 USD पर। वापस कुछ पार्ट जो है, जो पार्ट आप सेल करेंगे उससे आप वापस बाई कर सकते हैं। तो अभी का सिनारियोज जो है, जो हमने देखा था कि वीकली क्लोजिंग 9 USD से ऊपर होगी तो नेक्स्ट वीक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 9 USD से ऊपर हमें प्राइस देखने को मिली है, वीकली क्लोजिंग 9 से ऊपर हुई है और अभी 9 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट 11.5 को उसने ट्राई किया है। 11.5 पर जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट प्राइस जब डाउन गई थी 8 USD पर गई थी या 8.5 पर बाय किया है, 11.5 पर सेल करेंगे अपना 70% पार्ट, और बाकी जो पार्ट है 30% पार्ट वो करेंगे 12 USD पर सेल। इस टाइप से 70-30 के रेशो में सेल करेंगे। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो वेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का की क्लोजिंग का, अभी जो वीक चल रहा है इसके 2-3 दिन बाद क्लोजिंग होगी, उसके नेक्स्ट वीक तक का वेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से 13.5 पर तक का वेट कर सकते हैं। अगर 2 वीक का वेट कर सकते हैं तो 13.5 पर आप शॉर्ट टर्म में सेल करेंगे, प्राइस वहाँ तक चली जाएगी। तो ये, और अगर आप वेट नहीं कर सकते अभी 2-3 दिन में या इसी वीक में सेल करना चाहते, तो आप 12.5 अराउंड में 100% पर सेल करें, या दो चीज़ें कर सकते हैं, 12.5 पर 50% और 13.5 पर बाकी 50%। तो सिनारियोज जो बनेगा, इतना वेट कर सकते हो तो आप उस लेवल पर सेल करेंगे। और जैसा मैंने आपको लॉन्ग टर्म वालों को बताया कि आपको 12 से लेकर 13 के बीच में अपना 25% पार्ट सेल करना है, वो एज इट इज़ आपको सेल लिमिट लगा के रखनी है। जिन्होंने बाई नहीं किया था उनको यहाँ पर बाई नहीं करना जल्दीबाजी में। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया था उसकी लिंक भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी देखें, जो मैंने चीज़ें बताई थी वो एज इट इज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, मैं हवाबाजी में बात कर रहा हूँ, उसका भी आप यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।